सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने आमद रसूल के मुनासिबत से एक बहुत अच्छा कलाम समाप्त किया जिससे आप हजरात की समातों के जंबील बावजन हुई। आमद रसूल के ताल्लुक से साबिर जबलपुरी ने कहा था कि हर शय पे अगर आपका जलवा नहीं होता, हर शय पे अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। हर शय पे अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम जो न होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो सवेरा नहीं होता। सुभान अल्लाह। वो नूरे मुजस्सम जो न होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो सवेरा नहीं होता। तो पाकिस्तान का एक शायर कहता है इसी के मुकाबले में कि नबी का नाम जब मेरे लबों पर रश करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रश करता है, लहू भी मेरे सिरियानों के अंदर रश करता है, जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रश्क करता है, जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रश्क करता है। आसिक कर्रानी ने कहा था कि सरस इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। शरफ इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। हर नबूवत के लिए वक्त पे है जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप आए। हर नबूवत के लिए वक्त पे है जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप आए। तुसी पाकिस्तान से ख्वाजा शौक ने कहा है आमद रसूल की मुनासिबत से कि जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, और फिर चादरे कुल इन्नमा पाने आए। मुअज्जिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मुअज्जिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। और हर किसी के लिए कौसैन में मंजिल तो नहीं, रह गए राह में वो भी जो बुलाने आए। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। आप बिल्कुल तैयार हो जाए क्योंकि इस वक्त मैं उस अजीम लहजे को आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिनकी उम्र तो बचपन की है लेकिन अभी सही वो पचपन के मुकाबले में आ गया है, जिनको आप और नहीं जिनको आज हिंदुस्तान पूरा जनाब कैफ रजा कानपुरी के नाम से मौसूम करते हैं। मैं उनके उनको आपके हवाले करने से पहले एक शेर आप सवाल कर लें कि मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा, अब वो बोलेगा जो मदीना जाएगा। मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। ऐ तसव्वुर अब जरा परवाज अपनी तेज कर, शहरे मक्का जा चुका है अब मदीना आएगा। ऐ तसव्वुर अब जरा परवाज अपनी तेज कर, शहरे मक्का जा चुका है अब मदीना आएगा। नजदियां तू जेब से रुमाल को बाहर निकाल, नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। नजदियां तू जेब से रुमाल को बाहर निकाल, नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। अब मैं उसी बच्चे को आपके हवाले करने जा रहा हूँ क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब किसी बूढ़े से मिलो तो ये सोच कर उससे मिलो कि इसके पास नेकियां ज्यादा होगी, लेकिन जब किसी बच्चे से मिलो तो ये सोच करके उससे मिलो कि इसके पास गुनाह कम होंगे। बस इसी शेर के साथ कि नया चराग अभी रोशनी के मश्क में है, हवा से कह दो जरा भी चहल पहल में करे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की।
हजरत आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजु शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे रब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7878574416। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, चश्मो दिल सीने मेरे आमाल सियग ने किया जीना तो भर मेरे जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। बख्त खुफ्ता ने मुझे और नाते पाक का सबसे खूबसूरत शेर मुलाहिज़ा फरमाया कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। बख्त खुफ्ता